की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे ना जा, दिल की आवाज भी सुन। हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजा में छो? मजे में ही रहने चाहिए। आप सब लोग ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। आप लोग सब सेफ ही रहिए, मैं आपकी गुरु माँ हूँ तो मैं गुरु प्लस माँ आपकी चिंता तो करूंगी ना, तो आप लोग सब सेफ ही रहिए। और बताइए कैसे हैं आप लोग, नवरात्रे सही चल रहे हैं कि नहीं? कमेंट डाउन बिलो। सब बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिविटी में तो रह रहे हैं ना आप? और बताइएगा किन किन के पर्सन वापस आ गए या वापस आने का एक्शन ले रहे हैं, ये भी कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए। जो लोग नए आए हैं थैंक यू। और मेरा सेकंड चैनल है एंजल सोल्टेरो, ANGELSOULTAROT, यही सेटअप है। 4-5 कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस हैं, उसे भी लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिएगा और उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक मैजिक के उपाय भी मैं बताती हूँ। पर्सनल हीलिंग में मैं एक के साथ एक की फ्री कर रही हूँ हीलिंग, और ब्लैक मैजिक रिमूवल, काला जादू 10 दिन में रिमूव करने का कर रही हूँ मैं ऑफर। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, लाभ उठाएं, बुकिंग कराएं। जिस टाइम मैं फ्री होंगी उसी टाइम आपकी, अगर मैं उस टाइम फ्री होंगी तो मैं उसी टाइम आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी, दैट्स फॉर श्योर। और पर्सनल हीलिंग कराएं एक के साथ एक की फ्री है, और साथ साथ काला जादू भी मैं हटा रही हूँ। मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, पूरे देखा कीजिए वरना कोई पॉइंट आप लोगों से रह जाएगा। ओके, और पर्सनल काउंसलिंग अगर किसी ने मुझसे बात करनी है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मैम आपसे बात करनी है, फोन कर लूँ, तो नहीं, पर्सनल क्या करना है आपको, काउंसलिंग, उसकी भी पेमेंट है। सलाह मशवरा चाहिए, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही, कोई फैसला लेना है, उसके लिए मैं कंसल्टेशन करती हूँ, वो भी पेमेंट से होती है। ठीक है, और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स मैंने हाफ पेमेंट कर दिए, मौके का फायदा उठाएं, प्लीज सेल्फ इंडिपेंडेंट बने मेडिटेशन के थ्रू। मुझे पता चल रहा है यूनिवर्स कह रहे हैं अपने बच्चों को बोले कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ केयर सेल्फ लव तो आपने थोड़ा थोड़ा सीख ही लिया है। प्रेयर्स अफर्मेशंस पॉजिटिव वाइब्स भेजा करें अपने पर्सन को, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। इन रिटर्न मैं आपको दुआएं देती हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके अपने जीवित रहें, बढ़िया तरीके से आपके साथ रहें, बने रहें, उनका आशीर्वाद आपके साथ, आपके अपने और आपके दुश्मन भी अपने हो जाएं, वो भी आपके लिए अच्छा सोचने लगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। आपका प्यार आपके पास वापस आए, कभी ना जाए वापस आकर, और जो थर्ड पार्टी में है वो उनको थर्ड पार्टी की असलियत पता चले, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, आप लोगों की और आपके अपनों की सेहत बनी रहे, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स। अब आज की रीडिंग क्या है, आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है अभी इस वक्त, क्या सोच रही है, क्या कर्मकांड करना चाहती है, या क्या सोच रही है, क्या उसके भेजे में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी का करंट स्टेटस, क्या सोच रही है ये थर्ड पार्टी, क्या आफत करने के लिए सोच रही है, और आप लोगों की जिंदगी में खलबली मचाने के लिए क्या हलचल करने के लिए सोच रही है आप लोगों की जिंदगी में, और क्या क्या करेगी नासपीटी सी, बुरी सी थर्ड पार्टी। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन गॉड्स, प्लीज गाइड मी एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, सारे ग्रह, सरस्वती माँ, गणेश जी, साईं बाबा, सबको नतमस्तक, सूर्यदेव, चंद्रदेव, 9 के 9 प्लैनेट्स, सबको मेरा प्रणाम। टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजिंग एनर्जी, हाँ हाँ, थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज होती है, आप क्यों नहीं समझते। किंग ऑफ कप्स, क्या करने वाली है ये थर्ड पार्टी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, छोड़ा छोड़ाई का कार्ड, डर लगने लग गया इसे, क्योंकि आप प्रेयर्स अफर्मेशंस बहुत भेज रहे हैं लगता है, मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, किन किन लोगों ने हीलिंग भी करवा ली है मुझसे, तो शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स हो रहे हैं, तो उसे डर लगने लग गया। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो करंट सिचुएशन क्या है इसकी, देख लो आप, द हर्मिट, फोर ऑफ वांड्स, शादी का सोच रही है, निकम्मी सी, पेज ऑफ वैंड्स,
प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन गॉड्स द वर्ल्ड। बहुत इमोशनल हो रही है ये आपके पर्सन के लिए, द टावर, क्योंकि हो सकता है वो लड़ रहे हो, वो हो थ्री ऑफ सोर्ड्स, अब वो भी शायद धोखा देने का सोच रहे हैं इसे। वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, चलिए और देख लेते हैं और क्या आया है। पुरुषोत्तम कार्ड से देख लेते हैं, गिल्ट। अच्छा, इसको भी गिल्ट होता है, लेकिन इसको नेगेटिव वे में गिल्ट होता होगा। ये किसी का कहां अच्छा सोचेगी। चेंज, आपके पर्सन लगता है चेंज हो गए हैं इसकी तरफ। इंटीग्रेशन, पॉलिटिक्स, सक्सेस, मोरालिटी, कैसी भी है ये थर्ड पार्टी कितनी भी बुरी है लेकिन इसे सक्सेस जरूर मिल जाता है पॉलिटिक्स करके, ये बड़ी गंदी बात है। माइंड, बहुत दिमाग खराब करती है आपके पर्सन का ये। कंप्लीशन, शादी का कंप्लीशन का बोलती रहती है, छोड़ने का बोलती रहती है आपको, डर है इसे कि इसको भी छोड़ सकते हैं। सेलिब्रेशन, फ्लावरिंग, द सोर्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अब देख लेते हैं और क्या आया है। चक्र विश्रम कार्ड से देख लेते हैं, दो कार्ड निकले हैं, इनसिक्योरिटी, वैनिटी। वही तंत्र मंत्र तांत्रिकों के पास जाना बहुत चल रहा है इसका आजकल, क्योंकि हो सकता है आप से छोड़ने की बात करते हो तो ये और ज्यादा उन्हें खिला पिलाने का तांत्रिकों के पास जा रही है। मिस्टिसिज्म, वही अंदर से कुछ बाहर से कुछ, आपको पता ही है इस औरत का, इसका थर्ड पार्टी का फेथ, और इसको फेथ भी है। विक्टिम, ग्रीफ, ट्रिकरी, तीन तीन ग्रीन कार्ड आए हैं तो हार्ट चक्र है, इसका भी ब्लॉक हो सकता है। परसेवरेंस, एक्सपेंशन, कंप्लीशन, एक्सपेंशन बहुत चाह रही है आपके पर्सन से। फॉरगिवनेस, किस बात की माफी मांग रही है आपके पर्सन से। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या राशियां आई हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरी सजिटेरियस लियो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखना शुरू होंगे, दो हफ्ते बाद, दो दिन बाद, दो महीने बाद, दो साल बाद, तो आपसे तभी से रेजोनेट होनी शुरू हो जाएगी। जिनसे रेजोनेट हो वो रख ले, जिनसे ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दे, और नहीं हो रही तो फॉर फन से एक भी देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब और बटन, बेल बटन दबा दीजिए। और जिनके जिंदगी में थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल, वो देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। तो मैं जरा सा पानी पी लूं। तो चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी की। देखिए, ग्रीन, तीन ग्रीन कलर्स के पत्ते आए हैं, टैरो कार्ड्स आए हैं। हार्ट चक्र ब्लॉक है उसका बहुत बुरी तरह, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है उसकी। देखिए, सोचने समझने का खत्म हो गया है उसका, अब वो जो भी कर रही है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हीलिंग करवा रहे हैं लगता है। अब वो किसी भी चीज में परफेक्शनिस्ट नहीं रही, ठीक है, लेकिन खुश अभी भी रहती है, क्योंकि खुश अभी भी रहती है, डांस करती है, सब कुछ करती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ है उसकी सिद्धियां, और तांत्रिक जो है उसका बहुत पावरफुल है उसकी, उसको फेथ है कि आपका पर्सन आपके पास ही, आपके पास नहीं जाएगा, उसी के पास जाएगा, उसी के पास रहेगा। पॉलिटिक्स बहुत खेल रही है, चेंज कर रही है आपकी तरफ देखने का नजरिया उनका, कि वो तो मूव ऑन कर गई है, आप कहाँ जा रहे हैं उसके पास। तो आपके पर्सन गिल्ट में आ जाते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ,
तो उनका ये जो दोनों तरफ सोचने का है ना आपके पर्सन का कि उसके पास जाऊं इसके पास जाऊं, तो इसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये अभी भी आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, इतना भड़काती है, इतना भड़काती है, फिर भी आप लोगों को न्याय देने के बारे में क्यों इतना सोचते हैं, है ना, न्यू बिगनिंग का क्यों सोचते हैं। देखिए हीलिंग का कार्ड फिर से आया, हीलिंग करवाएं अपनी और अपने पर्सन की, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पर्सन तभी थर्ड पार्टी के घर के गेट से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे जब आप कराएंगे हीलिंग, ओके। तो पॉलिटिक्स बहुत खेल रही है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है, लगता है आप शिव शक्ति को पूज रहे हैं, या माता रानी के नवरात्रे हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें पूज रहे हैं, शिव जी की भी आरती वंदना कर रहे हैं आप, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। नैतिक मूल्य आपके पर्सन के बढ़ रहे हैं क्योंकि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिर में बहुत दर्द कर रही है, कह रही है आपके साथ ही मेरा कंप्लीशन है, आपके साथ ही मेरा एक्सपेंशन है, वंश हमारा आगे बढ़ाओगे आप ही, तो उनको कंफ्यूज कर देती है बहुत ज़्यादा। फिर जब वो मान लेते हैं उसकी बात तो वो बहुत खुश हो जाती है, डबल सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, बहुत ही खुश हो जाती है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं लगता है मुझे, कभी कभी ये हर्मिट मोड में भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा इसको पता चल जाता है आप क्या क्या कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को सब पता चल जाता है, लेकिन इसे डर भी लगता है कि देखिए इनसिक्योरिटी का कार्ड आया, इसे डर लगता है कि आपके पर्सन इसे छोड़ के आपके पास ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। पजल हो रही है ये, इसको लग रही है कि जो राजा, प्यार का राजा इसके पास है आपका पर्सन, वो कहीं चला ना जाए, इनसिक्योर बहुत हो रही है। देखिए एस ऑफ कार्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है आपकी तरफ, ठीक है, तो आप ही की बिगनिंग होके रहेगी आपके पर्सन के साथ, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं जब थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। कभी कभी थर्ड पार्टी ऐसी हो जाती है बिल्कुल आंखें बंद, चारों तरफ अंधेरा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्मा तो आमने सामने आते ही है ना, जो वो कर रही है उसको सब पता चल रहा है वो क्या कर रही है, उसका भी दिल टूटता है जब आपके पर्सन आपकी तारीफ करते हैं, आपके पास जाने की सोचते हैं, तो बहुत इनसिक्योर हो रही है, उसका दिल टूट रहा है, अभी उसका दिल टूट रहा है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पास जाने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं वही मेरी दुनिया है, आपको कह रहे हैं आप ही उनकी दुनिया हो, ठीक है। वो आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, एंगेजमेंट शादी आपके पास आने का सोच रहे हैं, और ये कह रही है कि आप मुझसे शादी करो, हम एक्सपेंड करेंगे, हम बच्चे बनाएंगे, बच्चे करेंगे, कंप्लीशन होगा हमारा, एक्सपेंड करेंगे, बच्चे करेंगे, शादी करेंगे। बहुत रिझाती है उन्हें, बहुत रिझाती है, लेकिन हाँ ये तांत्रिक जो खिलाने पिलाने को दे रहा है उससे वो उनकी तरफ, उससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, सब कुछ सही सोचते हैं, आपकी प्रेयर्स वगैरह सब काम आ रही हैं, लेकिन वो जो कर रही है ना, एक तो खुद भी उसके पास सिद्धियां बहुत हैं और एक वो तांत्रिकों के पास जा रही है, खिला रही है, पिला रही है, सब खत्म हो जाता है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, बोल रही है आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मैं तो आपके साथ इतने साथ रही, आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी दे दूंगी, प्यार भी दे रही हूँ, फिजिकली भी हो रही है, सब कर रही हूँ, फिर भी आप चेंज होना चाहते हैं अपनी पर्सन के लिए, नहीं आप मुझे ही प्यार करेंगे, मैं ही आपकी क्वीन ऑफ कप्स हूँ, आप ही मेरे किंग ऑफ कप्स हैं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते, हमारी शादी हमारी होगी, उसकी उसके साथ आपकी नहीं होगी, ये सब सोच के आपके पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो कुछ नहीं सोच पाते हैं और दुख में हो जाते हैं, दुख में। इसकी चंट चलाकियां बहुत काम कर रही हैं, कारगर सिद्ध हो रही हैं और कह रही है हम ही हैं एक दूसरे की दुनिया, आपकी पर्सन नहीं है, हम हैं एक दूसरे की दुनिया। तो देख लेते हैं अब क्या गाइडेंस आई है, ये सब सोच रही है, भड़काने में नंबर वन है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं लेकिन ये खिला पिला के अपनी सिद्धियाँ जो कर रही है, जो उनको बातों से भी दिमाग ख़राब कर रही है, पॉलिटिक्स बातों से भी दिमाग ख़राब कर रही है, खिला पिला भी रही है, तांत्रिकों से भी मिल रही है और खुद की भी सिद्धियाँ हैं उसकी, सुंदर बनती है, उनके सामने घूमती फिरती है, फिजिकल हो रही है, प्यार से बोल रही है, खिला पिला रही है, आपके लिए
गलत गलत बातें भर रही है कि मूव ऑन हो गई होगी, आप कौन इंतजार करता है किसी का मूव ऑन हो गई होगी, हाँ मैंने उसको उसके साथ देखा था, मतलब कुछ भी कहानियाँ गढ़ रही है आप लोगों के खिलाफ करने के लिए, गलत सलत सब कर रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, गाइडेंस क्या दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नथिंग इज येट एट सच दैट स्टोन, अभी आपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए कुछ कर नहीं है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं, लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपकी की तरफ है, फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जब थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बिजलियाँ कड़केंगी ना, कुछ ना कुछ तो फियरी होगा, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जब ये होगा तो बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जब आमने सामने होंगे ना सारी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे आपके अच्छे, और पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जो भी आपका अभी दुख चल रहा है उसका वो सुख में परिवर्तित होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, देखिए सुख में परिवर्तित होने वाला है, खुशहाली आने वाली है, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये बातें सोच सोच के आपके इमोशंस और ऊँचे ऊँचे जा रहे हैं कि आपका पर्सन आ रहा है, आपका पर्सन आ रहा है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपने जो उनके लिए कितना कुछ किया, प्यार किया, उनकी केयर करी, सब कुछ करा, तो उन्होंने आपको धोखा दिया, अब आपको भी वही सब मिलने वाला है, प्यार केयर सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत दिया है, दुख भी झेल लिया, अब आपकी बारी है खुशियाँ झेलने की, लेकिन आपको घमंड नहीं लाना है अपनी जीवन में, और पुरानी बातें नहीं कुरेदनी है उनको, जब वो आएंगे अपने डर के आगे काम कीजिए, डर से जीतिए, डरते बहुत हैं आपकी इन्हीं बातों से, भगवान को सरेंडर करिए, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए हीलिंग का हमेशा कार्ड आ रहा है, अपना और अपने पर्सन का कराइए, एक के साथ एक की फ्री है, और काला जादू भी 10 दिन के अंदर मैं उसी पेमेंट में सही कर रही हूँ, शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या हैं, बहादुर हैं, क्या हैं दिखा दीजिए, यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में ही सक्षम हैं, वो आपके और आप और आपके अपने सेफ हैं, ईविल आई से, नेगेटिव एनर्जी से, कोरोना से, बीमारियों से सेफ हैं, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप कुछ बड़ा होने वाला है, देने का टाइम आ गया है, लेने का नहीं, मेडिटेट कीजिए, हमेशा मेडिटेशन और हीलिंग का तो जरूर आता है कार्ड आपका, ठीक है। और देखें रोमांस एंजल कार्ड से, देखते हैं क्या आई है गाइडेंस, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर योर सी, आप अपने किसी रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं अभी हाल फिलहाल, ये बताया जा रहा है, वो न्यू लव भी हो सकता है, आपकी पर्सन भी हो सकता है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, आप बहुत प्यारे हैं, आपको प्यार मिलकर ही रहेगा, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस का कार्ड आया था, सेकंड चांस दीजिए, ये कहा जा रहा है, सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट, आपका सोलमेट है जिससे भी आप मिले हैं, ठीक है, अनरिक्विटेड लव, देर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस, आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है इस पर्सन के साथ जिसका भी आप सोच रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए जैसे तैसे, ये बताया जा रहा है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो उन्हें बताने की, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स, कोई रिलीजियस फैक्टर्स आगे आ रहे हैं आपके प्यार के बीच में, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई अलग अलग रिलीजन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही है, कुछ हो सकता है आपके प्यार में बीच में, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, एक दूसरे से जिससे आप प्यार करते हैं एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, दिल से दिल की बातें कीजिए, सब बात आ जाएंगी सामने, आप अपने फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान देंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, अट्रैक्शन, आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, जरूरी नहीं है गोरे हो, आपके नैनक्स अच्छे हो सकते हैं, तीखे तीखे हो सकते हैं, तो आप में अट्रैक्शन इतना बढ़ता है, इतना आपके में अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपका सोलमेट भी अट्रैक्ट हो जाए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, रेड फ्लैग्स शो कर रही हैं, जो जो आपको वार्निंग्स ही मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, डिवाइन गॉड्स के थ्रू,
आपके एंसेस्टर्स के थ्रू के ये गलत है, इसे छोड़ दो। गेटिंग टू नो इच अदर, आपको एक दूसरे को जानना चाहिए। अगर कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आया है, एक दूसरे को जानिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए। वेडिंग होगी, शादी की तैयारी कीजिए, कपड़े वपड़े सिलवा लीजिए, ठीक है। एंजल्स का गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया। अब डिवाइन की बारी है आपको प्रोटेक्ट करने की, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देने की। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता ही ना करें। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में 3 महीने लगभग, ओके, 1 से 3 महीना। यू आर रेडी, आप रेडी हैं वेडिंग के लिए, आप रेडी हैं? खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ। देर इज समथिंग बेटर, किसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा है, उस इस चीज़ को छोड़ दो, कुछ अच्छा आने वाला है। नो का आंसर आया है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या पूछ रहे हैं इतने दिनों से, उसका आंसर नो आया है। आस्क योर एंजल्स, वाइट कैंडल जला के उस पर ज्योत पे मेडिटेट करके डियर जीसस क्राइस्ट, और अपनी बातें बोलना शुरू कर दीजिए। जो भी आप पूछना चाहते हैं एंजल्स से, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, ठीक है। अपनी और अपने फियर्स पे काम करना पड़ेगा, अपने डर के आगे जीत है वाली बात करनी पड़ेगी। तो ब्रेव बनिए, पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, सुख शांति आएगी। आप ब्रेव बनेंगे तो कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बहुत सीधी सच्ची बातें करनी है, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करनी है किसी से। लुक फॉर अ साइन, फेदर्स, चिड़िया और अपना बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगी। इट्स अप टू यू, देखिए आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं। तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साहेब बाहर के, और आही और आही और आही और आही। हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं आपकी हेल्प, मदद करने के लिए आ रहे हैं लोग आपकी, पहले नहीं आते थे ना, आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और उन मदद करने वाले लोगों से आप मदद मांगिए तो आपको मदद मिलेगी। रिकंसिडर, आपको कोई बात को दोबारा से सोचना है कि ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। सेल्फ लव के कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है सेल्फ लव में। मेक एन आल्टर, अलोन टाइम, प्लान अ वेकेशन, कहीं जाइए घूमने, अलोन टाइम बिताइए, चैंटिंग कीजिए ओम नमः शिवाय, जय माता की, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य तंबे के गौरी नारायणी नमोस्तुते। साउंड हीलिंग करिए, बिल्ड स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज, ड्रीम जर्नल जो सपनों में देखते हैं वो करिए, लिखिए, मतलब यूज योर हैंड्स, पॉटरी वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह हाथ का इस्तेमाल कीजिए, किसी चीज़ में मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन हीलिंग हर एक में आती है। कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स कुछ पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं तो मेडिटेशन में आप उनसे पूछिए उनका नाम ले लेकर क्या करना है मुझे। फ्लो लाइक वाटर, बिल्कुल मस्त हो जाइए जिंदगी में, जैसे पानी बहता है वैसे आप बहिए। रीड करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लीन योर स्पेस, सफाई मांग रहा है आपका घर, रेस्ट कीजिए, लगता है कि नहीं लोगों की तबीयत खराब है, रेस्ट कीजिए। डांस कीजिए, डांस एक बहुत अच्छी वर्कआउट है, गाना गाइए, गाना गाइए, डांस कीजिए, भजन गाइए। देखिए ब्यूटी रिचुअल, पार्लर जाइए, फेशियल करिए, ब्लीच करिए, नेल पॉलिश लगाइए, मैनिक्योर पेडिक्योर कीजिए, बालों का रंग चेंज कीजिए, छोटे बाल कराइए, बड़े हैं तो बड़े हैं तो, छोटे बाल हैं तो बड़े कीजिए, बड़े हैं तो उसको स्टाइल में करिए। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, एनिमल्स को खाना दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बी स्टिल, देखिए शीर्षासन करिए। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या आए हैं। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, आई ट्रस्ट यू विद माय लाइफ एंड हार्ट, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, I miss you even when you are in the next room. No matter how others see me, you make me feel special. You have taught me what love is all about. Okay. It would be great fun to grow old together. You hold me like you never want to go. We can imagine a wonderful future.
पिक्चर टुगेदर, यू कॉम्प्लीमेंट मी, यू रिस्पेक्ट मी, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आई लव द वे यू लाफ, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ठीक है, चलिए ये थे कुछ प्यार भरे मैसेज आप लोगों की तरफ से। अब देखते हैं कि जिंदगी आपको क्या सिखाना चाहती है। लाइफ लव्स यू, जिंदगी आपसे प्यार करना चाहती है। लव इज माई टीचर, आई एम फ्लरिशिंग, आई कैन डू इट। ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं ये कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ लव्स मी, आई नर्चर माई इनर चाइल्ड, आई कमिट टू बींग मोर प्रेजेंट इन माई लाइफ, लाइफ वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी। जिंदगी क्या कह रही है, खुश रहो। आई लव लाइफ एंड लाइफ लव्स मी, मैं लाइफ से प्यार करती हूँ और लाइफ मुझसे प्यार करती हूँ। आई लिव इन एन अबेंडेंट यूनिवर्स, मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूँ इस यूनिवर्स में। लव स्पीक्स टू मी ऑल थ्रू द डे, लव प्यार मुझे सारी दिन सिखाता है, प्यार करो, प्यार करवाओ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। आई एम ब्यूटिफुल एंड एवरीबडी लव्स मी, मैं सुंदर हूँ और सब मुझे प्यार करते हैं। आई ट्रस्ट द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स, मैं विश्वास करती हूँ जो यूनिवर्स मुझे गाइडेंस देते हैं। आई लव बींग मी, मैं अपने साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ, करती हूँ। आई गिव वट आई वॉन्ट टू रिसीव, मैं जो देती हूँ वो देती हूँ जो मेरे को वापस भी वही चीज़ मिले, तो प्यार ही देते हैं आप। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं थैंक्स करने से पीछे नहीं हटती हूँ यूनिवर्स को। आई एम विलिंग टू लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। ओनली लव इज रियल, प्यार ही रियल होता है। आई वेलकम मिरेकल्स इन माई लाइफ, मैं चमत्कारों को आने देती हूँ अपनी जिंदगी में। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई हाइएस्ट गुड, मेरे हाइएस्ट गुड के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं यूनिवर्स। आई चूज पीस, मैं सुख शांति को चूज करती हूँ। आई एम लव्ड एंड सपोर्टेड बाई लाइफ, जिंदगी मुझे प्यार भी करती है और सपोर्ट भी करती है। आई ट्रस्ट माई इनर डिंग, मैं अपने अंतरात्मा को, अपने अंदर के चाइल्ड को ट्रस्ट करती हूँ। आई चूज टू लिव विद ईज, मैं बहुत शांति से रहना पसंद करती हूँ, ये मेरा अंदर की अंतरात्मा कह रही है और लाइफ भी कह रही है। आई लिसन टू द विजडम ऑफ माई बॉडी, मैं अपने बॉडी की विजडम को सुनती हूँ। आई गेट ग्रेस लीड बाय द वे, आई एम विलिंग टू लेट लव इन, आई फॉलो माई जॉय, आई ओपन माई माइंड एंड से यस टू माई लाइफ, आई एम वर्दी ऑफ माई ओन लाइफ, आई चूज हैप्पीनेस, इट इज सेफ फॉर टू आस्क फॉर हेल्प, आई क्रिएट माई फ्यूचर टूडे, आई एम लवेबल, आई डेडिकेट टूडे माई लव, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए आज के करंट स्टेटस क्या है थर्ड पार्टी का आप लोगों की तरफ, आपके पर्सन की तरफ। तो कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी ये रीडिंग, और भी कोई रीडिंग करवानी हो तो बताइएगा। एक के साथ एक की हीलिंग फ्री है, ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कर रही हूँ उसी पेमेंट में, करवाइए। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस कम कर दिए हैं वो भी करवाइए। थैरोकार्ड रीडिंग का कोर्स के पेमेंट हाफ कर दिए हैं वो भी। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे आप। बात करनी है पर्सनल काउंसलिंग है, सलाह मशवरा करना है, पर्सनल कंसल्टेशन, ब्लैक मैजिक के उपाय मैं बताती हूँ, और मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखा कीजिए, काम आएंगे, गाइडेंस मिलेगी, पूरे देखा कीजिए वरना कोई पॉइंट रह जाएगा। लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन को दबाते हुए जाइएगा। मेरा सेकंड चैनल है उसको भी ग्रोथ दीजिए, एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT, यही सेटअप है आप लोगों के लिए। मैंने सेटअप भी चेंज भी किया है, कैंडल वैक्सिंग के 4-5 वीडियोज हैं वो भी देख डालिएगा। लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। बेल बटन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नए नए वीडियोज के आने का, वरना आप सोचते रह जाएंगे कब आता है कब नहीं आता नया वीडियो मैम का, गुरुमा का। तो लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन दबा दीजिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, एंजल सोल टैरो पे जाके, और 4-5 वीडियोस भी देख लीजिएगा कैंडल वैक्स रीडिंग के। और यहाँ भी प्लीज़, जो लोग नए आए हैं मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, थैंक यू। किसी को एनकरेज करना बहुत बड़ा कर्म होता है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन दबा दीजिएगा। आई लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिविटी फैलेगी, नेगेटिव रहेंगे नेगेटिविटी फैलेगी। तो पॉजिटिव रहिए आप, अपना ध्यान रखिए, आप सेफ रहिए, मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार आपको मिले, पैसा मिले, खुशियाँ मिले, सब कुछ मिले, गुड स्लीप, आप अच्छे से सो पाएं, सुख शांति हो आपकी ज़िंदगी में, ब्यूटीफुल हो आप, हैंडसम हो आप। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।